आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा में चार लोग झुलस गए हैं। छिंदवाड़ा में चार लोग झुलसे, एक की मौत, चारों घायल जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। जुलूस निकालने के दौरान यह हादसा हुआ। शहर के चार फाटक इलाके में हादसा हुआ है। रामनवमी का जुलूस निकालने के दौरान यह हादसा हुआ। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से यह हादसा, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो छिंदवाड़ा में बड़ा हादसा हुआ है, ये बड़ी खबर। छिंदवाड़ा में चार लोग झुलस गए हैं, एक की मौत हुई है, चारों घायल जिला अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। जुलूस निकालने के दौरान यह हादसा हुआ। शहर के चार फाटक इलाके में यह हादसा हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता महेश जुड़ गए हैं। महेश, जानना चाहेंगे आपसे कैसे हुआ यह हादसा। वाला जिले में आज जो है शहर में रामनवमी का जुलूस काफी जोश से निकाला गया था। इसी जोश के अंतर्गत जो है कुछ लोग जो है गाड़ियों पे सवार होकर के भी निकले हुए थे। उसी में जो है लोहे की राठ के झंडे जो बने हुए लोग अपने हाथ में लेके चल रहे थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। और अचानक जो है रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर जो हाई टेंशन लाइन रेलवे की जो जाती है इलेक्ट्रिक लाइन, उससे वो झंडा टकरा गया और जिसके कारण उसे चार लोग वहां झुलस गए। एक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई है, दो को नागपुर रेफर कर दिया गया है और अभी दो लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं जो है जब घटना की जानकारी लगी तो तत्काल पुलिस के अधिकारी और मौके पे पहुंचे हैं और मामले को जांच में लिया हुआ है। परंतु ये बड़ा दर्दनाक हादसा छिंदवाड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुआ है। जी महेश, और कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं, किस तरह से उनकी हालत बनी हुई है? इसमें जो है पांच लोग टोटल झुलसे थे और इसमें काफी गंभीर हालत में दो लोगों को नागपुर रेफर किया है और दो लोग जो है जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई है, जिसमें जो घायल है उसमें एक महिला भी शामिल है जी, और जिला अस्पताल में उनका भी इलाज चल रहा है। धन्यवाद महेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो छिंदवाड़ा में हादसा जिसमें चार लोग झुलस गए हैं जबकि एक